भागलपुर के एक वार्ड पार्षद की दबंगई से अब स्थानीय लोग आक्रोशित होने लगे हैं। दरअसल मामला भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत पासी टोला लेन प्रबत्ती का है, जहां मोतीलाल शाह के मकान को भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद रंजीत कुमार मंडल ने किराए पर लिया था। किरायनामा के समापन के बाद मोतीलाल शाह ने कई वर्षों तक वार्ड पार्षद रंजीत मंडल से मकान खाली कराने को कहा, विनती आजू की, लेकिन वार्ड पार्षद ने मकान को खाली नहीं कर मकान में ताला लगा दिया, जिसकी दबंगई को देख मोतीलाल शाह प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर अपने परिजनों के साथ वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जहां भूख हड़ताल का छठा दिन था, लेकिन हालत बिगड़ते देख अनशनकारी परिवार ने दरवाजा का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर अनशन पर बैठ गए। वहीं सभी अनशनकारी घर के अंदर ही अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन वार्ड पार्षद ने दबंगई से घर के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और सभी अनशनकारी को घर में बंद कर बंधक बना दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर अनशन स्थल पर पहुंचे, लेकिन वार्ड पार्षद की दबंगई सामने पुलिस की एक न चली। पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के बजाय अनशनकारियों को अंदर टांग झांक कर वापस चली गई। प्रशासन अगर कानून का कुछ राज नहीं है तो हम बैठेंगे स्टेशन में, फिर अनशन पे बैठेंगे, स्टेशन चौक पे बैठेंगे अनशन पे। मामला जो है रेंटर और ओनर का है। हमने 2014 में जो है इनसे जो है भाड़े पे लिए थे, 2000 महीना पे बात हुई थी और पहले महीना से ये लोग दबाव बना के हमसे 3000 का महीना लेना शुरू कर दिया पहले महीने से, जबकि पूरे हमको भारत में लगता है कि ऐसा कहीं कंडीशन नहीं होगा कि आप 2000 महीने पे एग्रीमेंट किए हैं और जो है ना 3000 का महीना पहले महीना से देना शुरू हो जाए, ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, हमारे साथ हुआ। उनके बाद 2017 में मोतीलाल शाह चुनाव लड़ रहे थे पार्षद का, और शंकर शाह का कहना हुआ, उनका जो बड़ा लड़का है मोती शाह का, उनका कहना हुआ कि तुम मेरा रेंटर हो, तुम चुनाव मत लड़ो, हमको सपोर्ट करो, और तुम अगर जहाँ चुनाव लड़ा तो तुमको हम पार्लर खाली करवा देंगे। हमने बोला नहीं भाई, ये तो लोकतंत्र है, चुनाव हम लड़ेंगे। हमने चुनाव लड़ा, रनर रहे, विनर नहीं हो पाए, रनर रहे। उसके बाद 2019 में जो है इनके घर में, इनका घर यहाँ से लगभग 400 मीटर के दूरी पे है, 400 फीट के दूरी पे है, और इनके घर में सैकड़ों बोतल विदेशी शराब पकड़ाया, और विदेशी शराब जब पकड़ाया तो जिसमें कि मोती शाह को जो है उसी समय अरेस्ट किया, और फिर उनके बाद जो इनका पूरा फैमिली जो है पूरा प्रवृत्ति में ये हल्ला किया कि रंजीत मंडल पकड़वा दिया। अरे भाई गलत धंधा कीजिएगा तो पुलिस पकड़बे करेगी। उसके बाद जो है फिर इन लोगों ने हमको हमरे पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप जो है हमको पैसा दीजिए, हम सेटिंग बेन लेंगे कोर्ट से, नहीं तो हम आपका जो है ना पार्लर खाली करा देंगे। चूंकि हमको इतना मजबूर किया कि हमको पैसा देना पड़ा, ठीक है पैसा हम दिए। फिर उनके बाद जो है मोती शाह का बेल हुआ, फिर शंकर शाह के बेल में फिर पैसा जो है वो किया। फिर जो है शंभू शाह यह अपनी पत्नी को लेकर चंडीगढ़ गए थे इलाज कराने के लिए, ठीक है। यह आपका जो है 2020 का लास्ट या तो 2021 का फर्स्ट महीना की बात है, और कॉल डिटेल्स जो है ना उस समय आप निकलवा सकते हैं कि रोज दो दिन चार दिन में हमको फोन करता था कि हमको पैसा चाहिए हमारे, उनका कॉल डिटेल्स भी निकाल सकते हैं आप लोग। उस समय भी हमने इनको पैसा दिया, फिर एग्रीमेंट कराने के नाम पे जो है कि एग्रीमेंट कर देंगे और पैसा चाहिए ऐसे वैसे हमने दिया। फिर जो है आपका 2022 में हमने चुनाव लड़ना शुरू किया पार्षद का, तो इन्होंने क्या किया कि उस समय भी दबाव बनाया कि चुनाव तुम नहीं लड़ोगे, हमारा जो कैंडिडेट है वह चुनाव ठीक करेगा, और तुम अगर चुनाव लड़ोगे तो फिर तुम्हारा जो है खाली करवा देंगे और एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे। हम बोले ठीक है हम तो चुनाव लड़ेंगे, आपको जो करना है कीजिए। उसके बाद जो है हमने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद इन लोगों ने एक नया साजिश क्या किया, थाना को मिला के, थाना का जो मुंशी है मेन मास्टर माइंड वो है, ठीक है मेन मास्टर माइंड थाना का मुंशी है जिसका नाम मुन्ना है। फिर हमारे ऊपर दो फर्जी मुकदमा हमारे पे और हमारे दोनों भाई पे ही करवाया, जेल के यात्रा में चले गए, फिर वहां से आए, फिर ये चीज हुआ। अभी जो है संडे को मेरे भाई क्योंकि सुबह आके जो है झाड़ू उड़ू देते हैं, फिर उसके बाद जो है रात भर में कितना अभी काउंटिंग हुआ, पैसा को काउंटिंग कर रहे थे, ये लोग 9 लोग थे, 5 को तो पहचान रहे हैं, 4 अज्ञात था,
और जबरदस्ती मेरे भाई को जो है पार्लर से निकाल के अपना ताला मार दिया। मजबूरी में फिर इन्होंने अपना भी ताला तब हम लोग मरवाए, इसलिए कि जो है अंदर में बहुत कागज पत्र था मेरा, एग्रीमेंट का था, पैसे के लेन देन की जो है डायरी मेंटेन एग्राम वगैरह सब था अंदर में। उसके बाद आज से एक साल पहले हमने इनको जो है लीगल नोटिस किया। लीगल नोटिस में जैसे जैसे पैसा लिया है उसका सारा विवरण दिए हैं। आज तक ना लीगल नोटिस का जो है जवाब दिया है, ना जो जो विषय पे हमने भेजा है ना उनका खंडन किया, चूंकि इन लोगों ने पैसा लिया था। 21 तारीख के बाद इन लोगों ने यहाँ पे नंगा नाच करना शुरू किया। हमने जो है थाना प्रभारी को हमने फोन किया, लेकिन थाना प्रभारी इन पे कोई एक्शन नहीं लिया। हमने लगभग यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं भागलपुर के प्रशासन के, हमने सबको जो है स्पीड पोस्ट जो है संडे को ही कर दी। उसके बाद रात में जो है ये लोग ताला तोड़ के फिर अंदर घुसे। मेरा जो एक और ताला जो कांड होने के बाद जो हमने एक ताला और मारा था उनको किया। फिर सुबह हम जब जानकारी हुई हम यहाँ पे आए, लगभग जो है 150 लोगों को यहाँ पे देखे। फिर उसके बाद अंदर का जो है वीडियो बाहर से बनाए और जितने लोग थे उनका हम वीडियो बनाए। अब जो है ये गुंडा राज है, चूंकि कानून का भय इन लोग को नहीं है, कहीं ना कहीं से इनको संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण ये लोग गुंडा गर्दी पे उतर गया है। अब हम जो है सोमवार तक वेट करेंगे, कल चूंकि संडे है, सोमवार तक वेट करेंगे और उसके बाद जो है सोमवार के बाद हम स्टेशन चौक पे जो है हम अनशन पे बैठेंगे। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है हमको न्याय चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, एक जन प्रतिनिधि के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और प्रशासन मौन है, इससे बड़ा हमको लगता है कि दुर्भाग्य जो है पूरे भारत में कहीं नहीं होगा जो मेरे साथ अभी हो रहा है। क्या लगता है इन लोगों के द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है सरासर गलत है? कौन सा आरोप लगा रहा है जाता बताइए आरोप का? घर दिया गया एग्रीमेंट है, आप एग्रीमेंट पे लिए, आपका कहना कि पैसा 6 लाख रुपए लिया है, आपके पास कुछ है उसके? हाँ, वो सारा पेपर तो मेरा अंदर है, एग्रीमेंट पेपर है, हाँ सारा अंदर है, 6 लाख का, हाँ सारा चीज है। हमने जो है क्या कहते हैं कि बोले ना आपको कि हम लीगल नोटिस तक दिए हैं, उनका आज तक जवाब नहीं दिया, एक साल पहले दिए हैं। लीगल नोटिस का भी एक वेट होता है ना, कानूनी प्रक्रिया है ना वो, और उनका आज तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। अगर हमने मान लिया जाए कि हम गलत, आपको सपोज गलत आपको हमने लीगल नोटिस किया, आप उसका जवाब दीजिएगा ना, उसका खंडन कीजिएगा ना, क्यों नहीं खंडन किए, क्यों नहीं आखिर खंडन किए आपने? यहाँ के वार्ड पार्षद 13 के हुए, ठीक है, और ये जिनका जमीन है अभी, तो उनका जो बड़ा भाई बड़ा लड़का है मोतीलाल साह का, जो शंकर साह जिसका नाम है, उससे दोस्तियारी चलता था, शुरू में दोस्तियारी चलता था भाईचारा के नाते, उसको दिया, बोला दोस्त 2-3 महीना हम रहेंगे, उसके बाद हम कहीं चले जाएंगे, आप अपना कर लीजिएगा। फिर क्या हुआ, क्या बोला 2-4 साल करते हैं, मतलब 2-3 महीना करते हैं आप जो है ना, उसको बोला कि 3 साल के लिए हमको आप अग्रीमेंट कर दीजिए जमीन। तो 3 साल का पहले पेपर बनवाया जिसपे कि उसका कोई भाई का, मोतीलाल शाह का कोई बेटा का साइन नहीं हुआ था, वो लेके वो बैठ गया यहाँ पे जमीन पे आ गया। जब ये लोन लेने के लिए गया बैंक से, जब कोई बिजनेस करता है जब लोन लेने के लिए गया, तो लोन इसका पास नहीं हुआ वो सिग्नेचर के कारण। तो बाद में फिर ये सब क्या गेम किया रंजीत मंडल, इस सब भाई को धीरे धीरे समझाते बुझाते, गांव टोला का एगो दो आदमी उसको समझाया, क्या अभी कैसे बिगड़ा, अभी का मामला मामला बिगड़ा यहाँ पे, जब इसका एग्रीमेंट जब सब हो गया 5 साल का, जब सब जब इसका 5 साल पूर गया, तो जब इसको बोला गया कि खाली आप कर दीजिए मेरा जमीन, आप कहीं देख लीजिए, तो ये बोला चलिए ठीक है हम साल भर के लिए आपको जमीन, मतलब इस साल भर का टाइम मांगा, तो बोला चलिए 4-5 महीना टाइम देंगे आप खाली कर दीजिएगा, वो टाइम फेल हो गया। मतलब 20 बार ऐसा टाइम दिया, 5 महीना 2 महीना 1 महीना सब फेल होते जा रहा है। लास्ट में वो क्या किया कि उसका पत्नी जो मोतीलाल से की पुतोहू है, तीनों खाली नहीं कर रहा था, तो इसके लिए वो धरना पे बैठी भूख हड़ताल पे। कितने दिन बैठी? 6 दिन बैठा है भूख हड़ताल पे, जिसमें कि उसका कोई भी जिला अधिकारी कोई, मतलब उसका कोई ध्यान नहीं दिया,
कोई देखने नहीं आया। मीडिया आया, मीडिया पूछा, मीडिया चलाया, मीडिया का कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो लास्ट में वो ताला, उसके पास चाबी था और एक ताला था जो कि अपने से वो ताला तोड़ी, अपना घर में जाके वो सुरक्षित है। और क्या किया, इसमें सुहा आया रंजीत मंडल, वो ताला मार के चला गया है और चारों लेडीज पेश, उसका पिताजी जो बूढ़ो है वो अंदर में बंद है। अगर उस पर कुछ होता है तो हम लोग इतना समाज है तो ये सोच लीजिए कि क्या होगा। फिर प्रशासन आई तो क्या की, प्रशासन आई तो उसको बोलता है कोर्ट का मैटर है, आप लोग कोर्ट से आइए। और रंजीत का कहना है कि मेरा पैसा, ऐसा कहीं कोई उसके पास प्रूफ नहीं है कि वो पैसा दिया है, या तो उस कोर्ट में साबित करे। और हम लोग का कहना हुआ अगर 6.5 लाख रुपया बोल रहा है तो हम 6.5 लाख रुपया कोर्ट में जमा कर देते हैं और उसको बोलिए कि जमा कोर्ट से लेगा पैसा। क्या नाम होगा? मेरा नाम अजय साह हुआ, मेरा पिताजी का नाम सुरेश साह है। सर हम इसको 5 साल के लिए किराया पे दिए हुए थे, 2014 में इसका एग्रीमेंट 2019 में पूर गया, उस टाइम खाली नहीं किया, ठीक है। और हमारे यहाँ शराब रख करके इसने पुलिस को खबर दे करके हमको पकड़वा भी दिया। अभी क्या हुआ? अभी यही हुआ कि मतलब हम लोग अंदर में है, उसने ताला मार दिया बाहर से खेल ठाल के। और अंदर में आप कब घुसे? अंदर में बाहर में बैठे थे धरना पर ना? हाँ धरना पे। क्या दिन से धरना पर थे? 21 संडे का दिन, आज 7वां दिन है, अभी भी अनशने पे है। तो क्या हुआ, हुआ क्या फिर? हुआ यही कि मतलब आया और अंदर खेल दिया और बंद कर दिया। आप बाहर में थे? हाँ। ताला खोल, कौन खोला? ताला वही खोला था ना? खोल के अंदर कर दिया आप लोगों को? हाँ। फिर बंद कर दिया? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साह। से 2 साल से ज्यादा दिन से आवेदन। क्या हुआ आप बोलिए तो? हम अपने घर में घुसे हुए हैं। वही बोलिए। 7 दिन से अनशन पे बैठे थे सर, कोई कार्रवाई नहीं सुनाई जा रही थी सर, कोई नहीं आता था, सदर दरखास्त कागज पत्र सब दे चुके थे, कोई नहीं आता था देने। गांव समाज बड़ा बोला रोड पे काहे अनशन पे बैठी है सर, तुम अपने घर जाओ। अभी क्या हुआ? अभी ताला कौन खोला? ताला कौन खोला? कौन खोला? आप अंदर कैसे गए? हम रात में गांव समाज को मिल के खेल के भेजा, जाओ अपना रोड पर से जाओ, अंदर में करना जमीन पे जाओ। और वो बंद कर दिया? पुलिस को नहीं बोले? पुलिस को सूचना दिए? हाँ सब सूचना दिया हुआ। पुलिस क्या बोला? होगा कार्रवाई। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं।
ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सावन महीने में सुल्तानगंज कच्ची कांवरिया पथ पर जहां कुछ लोग श्रद्धालुओं की सेवा कर पुण्य कमा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बेजुबानों का सहारा लेकर धन कमाने में लगे हैं। बांका का रहने वाला जाफरान वैसे तो दूसरे राज्यों में नौकरी करता है, लेकिन हर साल सावन के महीने में घर आ जाता है और सांप को पकड़कर कैंची से दांत काट देता है। उसके बाद सांपों को लेकर कच्ची कांवरिया पथ पर करतब दिखाता है। इस तरह से जाफरान रोजाना 700 से 800 रुपये कमाई कर लेता है। सुल्तानगंज से जल लेकर कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की गिनती की जा रही है। धांधी बिलारी चौक पर ई पीपल काउंटिंग मशीन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रत्येक 12 घंटे पर श्रद्धालुओं के आंकड़े से देवघर प्रशासन और भागलपुर प्रशासन को अपडेट किया जाता है, ताकि देवघर में भारी भीड़ उमड़ने से पहले ही प्रशासन अलर्ट हो सके। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से अजगैबीनाथ धाम गंगा घाट पूरी तरह से डूब गया है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गंगा घाट पर बैरिकेडिंग को शिफ्ट किया जा रहा है। 24 घंटे SDRF और स्थानीय गोताखोरों को लगाया गया है। गंगा घाट पर अतिरिक्त पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी कर सके, इसके लिए 24 घंटे पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ड्यूटी कर रही है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और मेडिकल विभाग की टीम अलर्ट मोड में है। भागलपुर मुंगेर बॉर्डर पर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां 24 घंटे डॉक्टर एम्बुलेंस के साथ पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था की गई है। भागलपुर जिला तैराकी संघ की ओर से सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर तैराकी की प्रतियोगिता 11 अगस्त से सैंडिस कंपाउंड के स्विमिंग पूल में कराई जा रही है। इसी बाबत आज होटल स्टोन पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर प्रतियोगिता के लिए संरक्षक के रूप में आगे आए भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर का जनपद गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहां की अधिकांश जनता नैसर्गिक रूप से तैराक होती है, अतः यहां के युवाओं में राष्ट्रीय स्तर के तैराक बढ़ने की क्षमता है, लेकिन समुचित जानकारी, प्रशिक्षण एवं उचित मंच के बिना यहाँ के युवा अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते और प्रतिभाएं क्षमता रहने के बावजूद दम तोड़ देती हैं। सौभाग्य से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में प्रथम स्तर एवं ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल बन गया है, जिसमें प्रतिभावान युवाओं को ट्रेनिंग दी जा सकती है। मौके पर कार्यक्रम के संचालक एवं अंतर्राष्ट्रीय तैराक अमित कुमार ने बताया कि इसमें सभी प्रतिभागियों को फॉर्म भरना होगा और मामूली शुल्क दे होगा। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु बिहार राज्य तैराकी संघ के सचिव अपनी टीम के साथ भागलपुर आएंगे। उन्होंने कहा कि 5 तरह की तैराकी प्रतियोगिता होगी, जिसमें 11 साल से 50 वर्ष तक के क्षेत्र का जनपद गंगा किनारे है और लाखों गाँव जो है, सैकड़ों गाँव जो है गंगा किनारे स्थित है। वहाँ के बच्चों का खेल का जो मैदान है वो गंगा है और रोज वो उसमें अटखेलियाँ करते हैं, नहाते हैं। तो यहाँ के जनपद में नैसर्गिक क्षमता है तैराकी का, लेकिन हम लोग उसको निखार नहीं पाते हैं, जबकि उसमें प्रतिभा है, सिर्फ उन्हें प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ से भागलपुर से नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी निकल सकते हैं। इसी के लिए हमने अमित जी से 2 साल पहले से बात कर रहा था कि प्रतियोगिता कराना चाहते हैं। आज वो दिन आ गया और संयोग से भागलपुर स्मार्ट सिटी में सैंडिस कंपाउंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तरणताल यानी स्विमिंग पूल बना हुआ है और 11-8 को सुबह 8 बजे से प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इसमें 6 साल से 50 साल के ऊपर तक के लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें ये पहली बार हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये स्विमिंग प्रतियोगिता करा रहे हैं। किस तरह का रेस होगा? इसमें 4 इवेंट होते हैं। इसमें फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ब्रेथ स्ट्रोक, ये चारों स्ट्रोक में जूनियर, सब जूनियर और सीनियर और ओवर एज का सभी प्रतिभागी भाग लेंगे। कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे?
वो हमारे ये एक जीवन जागृति सोसाइटी के भी बैनर तले जो उनका मोबाइल नंबर होगा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्विमिंग एसोसिएशन का भी उसी में नंबर होगा, उससे लोग संपर्क कर सकते हैं। और कोशिश रहेगी कि सारे स्कूल में हम लोग फॉर्म अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि वहाँ के जो स्पोर्ट टीचर होंगे वो। जुगसर थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के निकट साई मंदिर के पास एक अज्ञात शव मिला। शव मिलने के बाद स्थानीय दुकानदारों के द्वारा जुगसर थाना को सूचना दी गई। इस मौके पर जुगसर थाना के थाना अध्यक्ष कृष्णानंद कुमार अपने दलबल के साथ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। शव की पहचान के लिए जिले के कई थाना क्षेत्र में मृतक का फोटो भेजकर शव की पहचान कराई गई। प्रथम दृष्टया शव देखने से यह शव किसी भिखारी का प्रतीक हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोग एवं दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले इसको हम लोगों ने नहीं देखा। हालांकि मौत का कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम लोग तो आधा घंटा से देख रहे हैं कि जो है हमको लगा सोया हुआ होगा, ठीक है। तो अभी सर लोग की जानकारी मिली कि ये जो है मृत पाया गया है, इसकी पहचान नहीं हो पाई अभी तक, ये कहाँ का रहने वाला नहीं है, ठीक है। वही आधा घंटा से ऊपर हो गया लमसम 45 मिनट। मेरा नाम अविनाश कुमार मुनका हुआ, मेरा दुकान यहीं पर है घंटाघर साई मंदिर के सामने। बिहार संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा महासंघ के बैनर तले संविदा कर्मी ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि हम लोग अनुबंध पर कार्यरत हैं, हम लोगों को फेक हाजिरी बनाने का दबाव डाला जा रहा है। साथ ही प्रदर्शन कर रही एएनएम वर्षा कुमारी ने कहा कि यहां पर अस्थाई एवं संविदा पर एएनएम कार्यरत है, लेकिन अस्थाई वाले के लिए सभी तरह की सुविधा है, हम लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती। यहां तक कि हम लोग अपनी मूलभूत सुविधा से भी वंचित रह जाते हैं, इसलिए हम लोगों को समान काम के बदले समान वेतन मिले। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोगों का आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग फेस अटेंडेंस के विरोध आए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के खिलाफ फेस अटेंडेंस लागू हुआ है, जो कि हम लोगों के क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं लागू कर सकते हैं कि फेस अटेंडेंस। अगर हम लोग काम पे जा रहे हैं कि मिनट लेट हो जा रहा है तो हम लोग को एब्सेंट कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। हम लोग सारा दिन काम करेंगे फिर भी एब्सेंट हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग फेस अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। और हम लोग को समान काम का समान वेतन चाहिए, कि जो कि हम लोग फेस अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए, हम लोग के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, सिर्फ एनएचएम कर्मी के ऊपर थोपा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है सरकार के द्वारा हम लोग के ऊपर बहुत ही निंदनीय कार्य दिया जा रहा है। जब परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये सब नहीं है, सिर्फ हम लोग के लिए है। हम लोग एकदम सुदूर देहात क्षेत्र में जाते हैं काम करने, जहाँ पे गाड़ी की सुविधा बिल्कुल नहीं है, हम लोग कैसे कर पाएंगे ये सब चीज़। अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं हम लोग को, मतलब कि दो हम लोग हैं, मतलब कि हम लोग एक परमानेंट है और एक हम लोग अनुबंध कर्मी है। दोनों को दो जगह दो नियत से काम करवा रहा है, एक को परमानेंट में कोई फेस अटेंडेंट नहीं बनाया जा रहा, हम लोग को एक में फेस अटेंडेंट बनाने बोल रहा है। और हम लोग को चाहिए कि अगर समान काम है तो हम लोग को समान वेतन तो उन लोग को चाहिए ना, कि सरकार को कि समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए। फिर हम लोग को मूलभूत सुविधा नहीं है, कि हम लोग वहाँ जाते हैं बहुत खेत खलिहान में बहुत दूर दूर तक जाते हुए हैं, जितना भी वहाँ न बैठने की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, मतलब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नियमित कर्मी को फेस अटेंडेंस नहीं बनवाया जा रहा है, और संविदा पर कार्य करने वाले कर्मी को फेस अटेंडेंस बनवाया जा रहा है। ये हमारे कर्मी जो हैं वो सुदूर इलाका में कार्य करते हैं, जहां उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है, उनको काम किसी अन्य टोला में करना पड़ता है, फेस अटेंडेंस बनाने के लिए किसी अन्य जगह जाना पड़ता है। इस असुविधा के दौरान यदि उसका उपस्थिति नहीं बनता है तो उन्हें अनुपस्थित घोषित कर दिया जाएगा, जिसके कारण उस दिन का उसको वेतन कम कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, मानदेय पर उनको 11,000 के करीब जो है वेतन दिया जा रहा है, और नियमित कर्मी को वहीं पर 70,000-80,000 दिया जा रहा है, और उनसे जो है फेस अटेंडेंस नहीं लिया जा रहा है। मुंगेर जिला के सदर बाजार में रहने वाला शंकर पंडित पिछले 2014 से हत्या के मामले में जेल में बंद था। उसके बाद कोर्ट ने शंकर पंडित को दोषी करार देते हुए 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद से शंकर पंडित भागलपुर के केंद्रीय कारा में बंद है। शंकर पंडित अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए 3 जुलाई से केंद्रीय कारा में अनशन पर बैठ गया, और इसके बाद शंकर पंडित की तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन ने इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ शंकर पंडित का इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर शंकर पंडित की पत्नी कंचन कुमारी ने कहा कि मेरे पति का गोतिया का जमीनी विवाद चल रहा था, इसी विवाद में परिवार के एक सदस्य की हत्या हो गई, जिसमें हमारे पति को फंसा दिया गया। हमारा पति निर्दोष है, हमें न्याय चाहिए। मामला क्या? मेरे पति का जो है ना वो
तबीयत खराब है, पति का जो है ना तबीयत खराब था, वो अनशन के 3 तारीख से जो है ना अनशन अपना कुछ मांग को लेकर के जो अनशन पे बैठे हुए थे। किस मांग को लेकर के अनशन पे बैठे हुए थे? उनका उनके साथ जो सर हो रहा है, लोकहित जनहित के लिए सभी के लिए वो बैठे हुए हैं कि जो अंदर में हो रहा है सबके साथ न्याय किया जाए, मेरे साथ भी न्याय किया जाए, सबके साथ न्याय किया जाए, और क्या बोलता है इसी वजह से बैठे हुए थे और उनका तबीयत ये 3 तारीख से ही बैठे हुए थे। किस जोन में आपके पति अंदर गए थे? मर्डर केस में सर उनको फंसाया दिया गया है जमीन सबके गुटियारी मैटर में सर। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरे पति का जो है ना उनका जो भी क्या जो भी बात है उनका सारा बात को देखा जाए, उनका जांच किया जाए और उनको न्याय मिले सर। और वो जो है ना बहुत ये अनशन पे तो है ही, अनशन से ज़्यादा जैसा अनशन से ज़्यादा जो है ना वो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, इतना पीड़ित है कि कहने की बात नहीं, वो ना चल पा रहे हैं सही से और ना बोल पा रहे हैं सही से, सही से उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है और वो कहते हैं कि अंदर में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पीड़ित है सर, सही से इलाज भी नहीं हो पा रहा है उनका। कहाँ वो मतलब जेल के अंदर में उसको टॉर्चर किया जा रहा है? हाँ बोलते हैं कि टॉर्चर किया जाता है। किस तरह का टॉर्चर किया जा रहा है? बोलिए एकदम खुल के बोलिए। टॉर्चर करता है बोले कि वो उनका वो कहते हैं कि हमको हो सकता है कि मार भी सकते हैं, कुछ भी कर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कुछ तो वजह होगा। अनशन बैठे अनशन पे बैठे हैं इसीलिए। अनशन किस लिए रखे हैं वो? अनशन इसलिए रखे हैं कि मेरे साथ और सभी के साथ जो है ना मेरा जो मेरा आवेदन को देखा जाए और हमें न्याय मिले, हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, जो भी बोलते हैं हम सही बोलते हैं और मेरा सच्चाई को देखा जाए, हम बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का शंकर पंडित नाम है। घर कहाँ हुआ?